मैं नवीन सिंह, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है जिसका नाम है अपना शख्सियत। इस एपिसोड के पहले कड़ी में हम बिहार के महान विभूति जयप्रकाश नारायण जी से शुरू करते हैं। अभी जो सामने हम जहाँ खड़े हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का पटना में स्थित आवास है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो अपना सारा जीवन समाज सेवा में गुजार दिए। गरीब घर में जन्मे, पले पढ़े और बड़ी ऊंची शिक्षा हासिल की। तो हम चलते हैं अंदर और जानते हैं इनके बारे में कि अंदर इसमें जेपी जी का क्या क्या सहयोग मिला है इस देश को। आइए हम लोग जानते हैं जयप्रकाश जी के बारे में। हमारे सामने खड़े हैं, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिन्हा है। मैं संपूर्ण क्रांति मंच का पटना महानगर अध्यक्ष हूँ। संपूर्ण क्रांति मंच का अध्यक्ष जी के बारे में आप क्या जानते हैं? जयप्रकाश जी से हम लोग सामाजिक रूप से, भावनात्मक तौर पर बचपन से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि हम लोग राजनीति में भी आए, क्योंकि हम लोग बेसिकली समाजवादी स्ट्रक्चर के लोग हैं, समाजवादी सोच और विचार के लोग हैं। जयप्रकाश जी को हम लोग लोकनायक कहते हैं, क्योंकि वह जनता की बुलंद आवाज। जिस समय पूरे भारत में इंदिरा गांधी का तानाशाही था, ऑटोक्रेसी था कांग्रेस का, उस समय उन्होंने जनता की आवाज को एक नया मकाम दिया था। और 1970-71 के समय जो है उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसमें कि दबे कुचले लोगों की आवाजों को उठाया, जिसमें कि इमरजेंसी लगाना पड़ा, बहुत यात्रा झेली, बहुत दुख झेला लोगों ने, लेकिन समाजवाद को उन्होंने जिंदा रखने का काम किया। यह स्थान हमारे लिए बहुत पूजनीय है और पवित्र स्थल है, क्योंकि चरखा समिति वह स्थान है जहां जयप्रकाश बाबू अपनी पत्नी के साथ रहते थे। और यह भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जीवन भर नैमिष्ठिक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया था, जिसके लिए हम उनको और उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी को साधुवाद देते हैं कि राष्ट्रहित के खातिर उन्होंने अपने परिवार के सुखों का त्याग किया और समाजवाद के मजबूत स्तंभ थे। उन्हीं के बाद संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक विधायक भवेश बाबू थे। भवेश चंद जी जेपी के अत्यंत निकटवर्ती थे, वो विनोबा भावे के साथ भी रहे, वो महात्मा गांधी का भी सानिधि प्राप्त किए और उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति मंच की स्थापना की थी। अभी उनके सुपुत्र संजय जी इसके प्रदेश अध्यक्ष और मैं इसका पटना महानगर अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से हम लोग बचपन से ही समाजवादी परिवेश में रहे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और जेपी के विचारों का, क्योंकि जेपी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन शरीर नहीं है, लेकिन जेपी के विचार आज भी है। वो प्रगतिमान प्रगतिशील भारत का सपना देखते थे, वो युवाओं की भागीदारी चाहते थे। तो हम लोग उस पथ पर है, उस मार्ग पर हम चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको विस्मित न करे, उनको भूले नहीं, इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम लोग जेपी के बारे में बतलाते रहते हैं। जयप्रकाश जी से जुड़े हुए तस्वीरों के बारे में, जयप्रकाश जी महात्मा गांधी के पथ पर चलते थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। यह रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का गांधी जी का स्वागत करती हुई महिलाएं हैं। यह सब तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का यह भी है। और यह प्रभावती देवी उनकी धर्मपत्नी है, जो संस्थापिका है महिला चरखा समिति की। यह 1940 की तस्वीर है। इसमें आपको हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू मिलेंगे, मौलाना आजाद मिलेंगे, सरदार पटेल मिलेंगे, ये तमाम लोग जो है। यह रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 की तस्वीर है। आइए आपको और भी कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। महात्मा गांधी के तरह ही चरखा के निर्माण पर और स्वयं जो है आत्मनिर्भरता के लिए अपना कपड़ा स्वयं उत्पादन करने के निर्माण पर जयप्रकाश बाबू जो थे वह सहमत रहते थे और अग्रणी रहते थे। देखिए उस समय लक्ष्मी नारायण जी है मंत्री बिहार चरखा संघ, श्रीमती शीला रुखैयार मंत्री है। यह तमाम पुराने लोग हैं जो कि किसी न किसी माध्यम से समाज के उत्कर्ष और उत्थान के लिए जेपी से जुड़े रहे। इनकी यादें आज भी यहाँ पर आप चित्र के रूप में देख सकते हैं। देखिए ये राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ महिला चरखा समिति के प्रांगण में यहाँ की दुर्लभ तस्वीर है, जहाँ की जयप्रकाश बाबू और राजेंद्र बाबू एक साथ हैं। ये सब बहुत प्राचीन तस्वीरें हैं। ये 1965 की तस्वीर है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जो है वह चरखा जी द्वारा किए गए कार्यक्रमों का ये सब पुरानी तस्वीर है, जो भी उन्होंने संपर्क क्रांति के दरमियान तस्वीरें कार्यक्रम सब की उनकी ये तस्वीर सब रखे हुए। चरखा समिति जब से स्थापना हुआ, चरखा समिति की जब से स्थापना हुई तब से अभी तक यह सारी तस्वीरें बतलाती है कि किस तरह से धीरे धीरे चरखा समिति का क्रमिक जो है यह विकास हुआ, क्योंकि चरखा अपने आप में विकास का सूचक है, आत्मनिर्भरता का सूचक है कि हम बाहर से सामान न खरीद करके हम अपने वस्त्र का स्वयं उत्पादन करें। महात्मा गांधी ने जो स्वप्न देखा था, जेपी ने उसको पूरा करने का एक अद्भुत प्रयास किया और आज चरखा समिति उसके रूप में आज भी जीवित है। आप यह देख रहे हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। उसके अलावा चरखा समिति में और भी ऐसे कई काम होते हैं, जैसे कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उसके अलावा आने वाली पीढ़ी जेपी के साहित्य को पढ़ सके, इसके लिए आइए आपको मैं यहाँ के लाइब्रेरियन से मिलाता हूँ। आइए, यह उनके पुराने वस्त्र, उनके इस्तेमाल किए हुए वस्त्र हैं। ये वस्तुएं यादगार के तौर पर रखा गया है, जिनको जेपी ने या प्रभावती जी ने इस्तेमाल किया था। जो उनसे जुड़ी हुई सारा सामान आज भी व्यवस्थित करके रखा गया है,
इस महान दंपति के द्वारा इस्तेमाल किया गया कलम भी आज हमारे बीच है। यहाँ 1967 का है, आप देख सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को प्रभावित कर दिया, उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा इस्तेमाल किया गया कलम आज धरोहर के रूप में यह नई पीढ़ी को जानना चाहिए। वो कलम है जिन कलम से जब कुछ लिखा जाता था तो पूरा भारत हिल जाता था, आंदोलन हो जाता था। वो सब कलम आपके कैमरा के सामने प्रत्यक्ष। ये चूड़ी प्रभावती जी की है और ये सारा सामान भी उन्हीं का आप देख रहे हैं। उस समय का चश्मा यहाँ है, उस समय का चूड़ियाँ है, सब संभाल के रखा गया। इधर जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ये लाल की चूड़ी है, ये कांच की चूड़ी है। जेपी ने भी लिखता लिखते समय सब चिट्ठी आप देखिए अभी भी सजो करके रखा गया। जयप्रकाश जी एवं प्रभावती देवी दोनों आदमी द्वारा यूज किया गया सामान सब है। मेरा नाम अभिषेक, मैं मेरा यहाँ बचपन बीता है। मैं कहूँगा 3 साल का जब मैं था, इस स्कूल यहाँ स्कूल एक चलती है जिसे महिला चरखा समिति, मैं 2 साल यहाँ करीब पढ़ाई की। तो उस पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सी जाना जेपी के बारे में कि इनके घर पे आते थे और हमें लालसा रहती थी कि यहाँ कुछ सीखे। आप देख सकते हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम सामग्रियां जो आपको मिलने योग्य नहीं है। इधर देखिए उस समय की तस्वीर, उस समय का आप देखिए 2377 की, ये वाजपेयी जी की कविता है, संकल्प और प्रतीक्षा वाजपेयी जी की कविता है। और ये देखिए राजघाट पर प्रतिज्ञा किया था उन्होंने, वो दिख रहा है यहाँ। बतौर संपूर्ण क्रांति मंच के पटना के अध्यक्ष के रूप में मुझको भी यह दायित्व मेरे प्रदेश अध्यक्ष सौंपा है कि अक्सर यहाँ ये रहा जयप्रकाश जी का हर कार्यक्रमों का मीटिंग इसी में सभा करके किया करते थे अपने संपूर्ण क्रांति के दौरान। उम्र के विभिन्न आयामों की तस्वीर है जो सामने आप पत्र देख रहे हैं। इस पत्र में जो बातें लिखी गई है यह बात स्पष्ट करती है कि जयप्रकाश जी बिना किसी शासकीय पद पर रहे हुए इस देश को एक नई धारा दी, विचारधारा दी और संपूर्ण क्रांति करके जिस तरह से इस देश में परिवर्तन लाई उसी का यह एक संक्षेप पत्र है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, जयप्रकाश जी का जन्म 1902 में हुआ, प्रारंभिक जीवन के बारे में इससे जानकारी मिल रही है। ये जयप्रकाश नारायण जी की माता फूलमती रानी का पिक्चर हुआ, ये जयप्रकाश नारायण जी के पिता श्री हर्षु दयाल हुए, जयप्रकाश नारायण का स्वहस्ताक्षर चित्र उनका ही फोटो है, लगता है इस समय वो शिक्षा में रहे होंगे, उसी समय का फोटो रहा। प्रभावती देवी के पिता श्री ब्रजकिशोर प्रसाद यानी जयप्रकाश नारायण जी के ससुर। ये जो पिक्चर देख रहे हैं जब विवाह के बाद प्रभावती देवी के साथ जयप्रकाश नारायण जी दोनों हैं एक साथ किसी पार्क में उद्यान में, जयप्रकाश नारायण अपने मित्र के साथ हैं। इस पिक्चर में प्रभावती के पिता के परिवार का समूह चित्र यानी जयप्रकाश जी के ससुराल पक्ष के सभी लोग इसमें मुस्तैद हैं। ये युवावस्था में जयप्रकाश नारायण एवं प्रभावती देवी। ये जो पिक्चर है लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर में जयप्रकाश नारायण एवं प्रभावती देवी वह 1929 की पिक्चर है। ये सब जो देख रहे हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जयप्रकाश जी ने जो पत्राचार किए थे उसी के कुछ अवशेष हैं। यह भवन और इसमें जो सामग्री अभी तो उपलब्ध है, पत्र पत्र वगैरह पिक्चर वगैरह, यह एक अपने आप में इतिहास जो दुर्लभ है, यह किसी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा जो यहाँ दिखाई दे रही है। यह किसी अखबार की कटिंग है, द ट्रिबन की रिपोर्ट है 4 नवंबर 1943 की, अरेस्ट ऑफ मिस्टर जयप्रकाश नारायण एट लाहौर। यहाँ जेपी बाबू की एक ऐसी लिखी हुई सोच है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। वह ऐसा समाज जिसके व्यक्तित्व की कद्र मनुष्य के नाते होती है, ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलने के अधिकार को सब स्वीकारते और मानते हैं। ये है जेपी बाबू की सोच। उनकी सोच से आप समझ सकते हैं आज के राजनीति युग में सब ने चला उनके साथ, सब ने उनका शिष्य रहे, वहीं से शुरुआत की। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आज उनके जो उनकी जो सोच थी और आज की नेताओं के सोच में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी आज कल्पना है। परिवारवाद के खिलाफ थे, आज परिवारवाद हावी है जोड़ों से उनके आज के राजनीतिक परिदृश्य पे। तो इधर उनसे तमाम जुड़ी हुई हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं।
उस जमाने के, देखिए इधर राजनैतिक एवं समाज सुधारक के रूप में 1948 से 1973 ये तमाम कहीं ना कहीं विशेषताएं सब लेटर जो जुड़ी हुई है, ये देखिए दुर्लभ सारी तस्वीरें है, ये उस समय की है। देखिए श्रद्धेय बाबू सही है लिखा गया चिट्ठी, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया एक पत्र जिसमें उन्होंने राजेंद्र बाबू को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये सारे दुर्लभ उस जमाने के 1955 की ये सारे लेटर है, आप देख सकते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति का पद त्यागने के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार पर जयप्रकाश नारायण की टिप्पणी, यह है 28 जून 1955 की। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, आप जब देख सकते हैं उनका लिखा हुआ है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इधर देखिए हर समय का ये जगजीवन बाबू का फोटो है, ये मतलब उस समय के जितने घटनाक्रम रहे हैं उससे जुड़ी हुई सारी तस्वीरें हैं। इधर देखिए ग्राम निर्माण मंडल ये गया बिहार, ये वो देखिए 30 अगस्त 1955 की ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी जयप्रकाश नारायण द्वारा शंकर राव देव के सर्वोदय योजना पर लिखा गया ये पत्र है। ये सब दुर्लभ तस्वीरें हैं, आप देखें इसमें। इधर फिर आइए हम लेके चलते हैं, इधर देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा देश की यात्रा के पश्चात प्रकट किए गए विचारों पर टिप्पणी देती हुई, ये इंदिरा गांधी का टिप्पणी दिया हुआ है जब जेपी बाबू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, उस समय की ये सब दुर्लभ तस्वीरें हैं, दुर्लभ चिट्ठियां हैं। ये देखिए शताब्दी राह से लिखा गया 1971, ये 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सफलता पर जयप्रकाश नारायण द्वारा भेजा गया बधाई पत्र, ये बधाई पत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर देखिए, इधर हम लेके चलते हैं, इधर उस जमाने का ये सब तस्वीरें है, डकैत सुरेंद्र टू नारायण कैसे बने कैसे हुए उसके बारे में है। जेपी का जो सबसे बड़ा पक्ष था वह अहिंसा और करुणा था। जिस समय आंदोलन हुआ, जिस समय इमरजेंसी हुआ, उस समय तो बहुत लोगों को भूमिगत होना पड़ा और कांग्रेस के ऑटोक्रेसी के खिलाफ, जिसके लिए कांग्रेस बाद में शर्मिंदा भी हुई, तो उस समय लोगों का समर्थन था और जेपी ने जो कहा उसको साबित किया। उसका सबूत यहाँ है कि 100 चंबल के डकैतों से उन्होंने आत्मसमर्पण करवा दिया, हृदय परिवर्तन करवाया। यह बहुत बड़ी बात है। यह बात जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अन्य नेताओं से बिल्कुल पृथक करती है, खासकर के कांग्रेस के नेताओं से तो बिल्कुल पृथक करती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा विचारधारा जिन्होंने उस समय डकैतों का विचार बदल दिया, विचार बदल के आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया उन्होंने, आप देख सकते हैं ये खबर है 1972 का। एक बात बता दूं कि मोहर सिंह नाम करके उस समय चंबल के सबसे बड़े डाकू हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि चंबल का बच्चा बच्चा कांग्रेस से लड़ेगा लेकिन झुकेगा नहीं। उस मोहर सिंह को सपरिवार हथियार के साथ जेपी ने सरेंडर करवाया और उन लोगों का हृदय परिवर्तन किया और वो लोग देश के मुख्य धारा में जुड़े, अंतिम पायदान के व्यक्तियों को जो है समाज से जोड़ने का जेपी ने काम किया है। इसके लिए दोस्तों हम आगे भी ले चल रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप लोगों को दिलाने का कोशिश करते हैं। इधर देखिए उस समय का सब देखिए, ये प्रभावती जी, देश जेपी को एक नेता के रूप में जानता है लेकिन मानव और व्यक्तित्व के नाते वे कितने महान है इसे किसी ने देखा नहीं है। देखिए तमाम जानकारियां आपको इधर देखे हैं, कक्ष उनसे जुड़ी हुई सारी रोचक जानकारियां आप लोगों को दिखाते हैं। सब दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इसी थाली में इसी चम्मच से खाना खाना होता था, इसी कप से चाय पीना होता था। उस जमाने की ये दुर्लभ वस्तुएं हैं जिसे आज भी यहाँ सजोया गया है, सजा कर रखा गया है। उन्हीं से जुड़ी हुई तमाम वस्तुएं आप देख सकते हैं। इधर सफाई कार्यक्रम के चलते इधर तस्वीरें जो है धूल नहीं पड़े, दुर्लभ तस्वीरें सब ढका हुआ है। इधर देख सकते हैं उस समय की गांधी जी की तस्वीर है। इधर सफाई अभियान इधर चल रही है, सफाई कार्यक्रम चल रहा है। उधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये शयन कक्ष है, जेपी की शयन कक्ष है। इसी में इसके बारे में आप बताएं थोड़ा डिटेल से। देखिए ऐसे तो जेपी के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा लिखा है जी, जी। लेकिन जो ऑथेंटिक बायोग्राफी है वो राम वृक्ष बेनुपुरी जी ने उनके बारे में लिखा था। ये जेपी का शयन कक्ष है और वो मधुमेह के रोग से भी पीड़ित थे। अच्छा, अच्छा। तो डायबिटीज और हृदय रोग जो है ये मुख्य कारण था उनके मतलब की मृत्यु का या उनके निधन। और इसी कमरे में जो है उनका स्वर्गवास हुआ, उनका निधन हुआ और यह अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, हम लोगों को विश्वास है कि वो आज भी जीवित है, सिद्धांत के रूप में, विचार के रूप में वो हमारे हम पीढ़ियों के लिए जीवित है और उनके संभाग नीतीश कुमार है बिहार जी। उनको जरूरत है सबको उनके बताए हुए विचारधारा पे चलने की। और इधर उनसे तमाम जुड़ी हुई हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये शयन कक्ष आपने देखा, इसी में वो सोते थे, इसी में रहते थे। ये तस्वीरें देखिए, दुर्लभ तस्वीरें हैं। इधर देखिए शेख अब्दुल्ला के साथ ये सब दुर्लभ तस्वीरें हैं। आपको नीलम संजीव रेड्डी के साथ ये सब
उस समय की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इधर आप सफाई कार्यक्रम चल रहा है, इधर आप देख सकते हैं ये सभा कक्ष है, इसी में सभाएं हुआ करती थी उस जमाने में। ये आप देखिए अंदर में सारी पुस्तक है, लाइब्रेरी है, सभा कक्ष है, तमाम लगी हुई है फोटो वगैरह। इधर सभा कक्ष आप देखिए, सभा कक्ष है, इधर देखिए उस समय की उनकी उनकी इसके बारे में बताइए, तस्वीर के बारे में। ये बहुत ही हाँ, तो इस अखबार का तस्वीर है ये उनकी मृत्यु के अपने 77वें जन्मदिन के 2-3 दिन पहले इनका निधन हुआ था। जी जी, इधर इधर देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को, मतलब की हुजूम उम्र पड़ा था। जी जी, और अश्रु की धारा मतलब बिहार ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के आंखें नम थी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हाँ, ये घाट की तस्वीरें हैं, ये उस समय जो है इधर देखिए नीचे वाले अंत्योष्टि की सब तस्वीरें हैं। इधर प्रभा स्मृति कक्ष है, ये जो प्रकाश जी का अध्ययन एवं शोध केंद्र है। अभी सफाई के कारण ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, तो जयप्रकाश अध्ययन कक्ष शोध, इसी में पढ़ते थे, इसी में सोचते थे और इसी में रणनीति बनाते थे, इसी में इसी से निकली हुई सारी उनकी बातें रहती थी। इधर इधर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इधर पुरानी तस्वीरें हैं, ये पुराना घर। चलिए हम लोग इधर चलते हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी है, महिलाओं के लिए है। एक नजर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा बस एक झलक हम दिखाना चाहेंगे। जी आप लोग बताएं क्या यहाँ कैसी पुस्तकें आप लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए रखती हैं? यहाँ प्रभावती जी की दी हुई सब किताबें हैं, बाकी और सब स्टूडेंट की किताबें हैं जो कि मेरे यहाँ स्टूडेंट लोग पढ़ने आती हैं, वो लोग इस्तेमाल करती हैं। जी हर तरह की किताबें हैं जी, यहाँ आप देख सकते हैं हर तरह की, इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पे से पुस्तक ले जाते हैं लोग, साहित्य की भी पुस्तक है, पढ़ता है लोग, और उपन्यास भी है। बुक्स पढ़ने के लिए कुछ पैसे भी लगते हैं, एक नॉमिनल राशि है जिसको आप यहाँ से ले जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर ला कर आप देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही महिलाएं सब सीखती हैं बनाना, और किसी जमाने में जब बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, बड़ा कार्यक्रम होता था, तो सबका भोजन वहीं पकता था, रसोई है पूरा आज तक, और रसोई है देखिए वह गृह उद्योग इकाई है जहाँ पर की महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है, जो कि अचार बनाना सीखती है, दनौड़ी तिलौड़ी यह सब धूप में सुखाती है, सीखती है, बनाती है और उनको पैक करके बेचती भी है। तो इस तरह से महिलाओं को एक स्वरोजगार देने का जो काम है वह महिला चरखा समिति बखूबी निभा रही है। यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, और देखिए वहाँ पर महिलाएं काम भी कर रही हैं। यह जो आवास देख रहे हैं इस पर लिखा है, यह आवास नहीं है क्रांति तीर्थ मृदु अजब निराला, यही जलाई जेपी ने संपूर्ण क्रांति की ज्वाला। तो धीरज जी आप समझाना चाहेंगे, अभी तो हम लोग अंदर इतना चीज देखे हैं, सब कुछ चल रही है यहाँ, इसका संचालन कैसे होता है? देखिए इसका संचालन जो है यहाँ की संचालन समिति करती है, वह तो अंदरूनी बात है, चूंकि प्रभावती जी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थी, आधी आबादी की बात आज नीतीश कुमार कर रहे हैं जो कि जेपी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन आधी आबादी को हिस्सा देने की बात, उनको उनका हक देने की बात जेपी और प्रभावती देवी ने भी किया था, बहुत नेता उसको फॉलो नहीं किया, नीतीश जी कर रहे हैं, यह एक अलग बात है। तो इसका संचालन तो महिलाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही है महिला चरखा समिति। जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं वह पंक्ति संपूर्ण क्रांति की बात कर रहा है, वह टोटल रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब यह समग्र दृष्टिकोण रखने की बात कर रहा है। जेपी ने पूरे समाज को उसकी समग्रता में, उसकी विशालता में, उसकी उदारता में देखा था, न कि जात पात अगली पिछड़ी और मजहब जाति के नाम पे बांट के देखा था। इस संस्था के संचालन में सरकार से अनुदान मिलता है क्या? निश्चय मिलता है, निश्चित ही मिलता है, और सरकार उस अनुदान के जो संचालन समिति के जो सदस्य रहे हैं, जो सरकार में पार्टिसिपेट किए हैं, वह भरेश बाबू थे, भूतपूर्व विधायक जो कि संपूर्ण क्रांति मंच के संस्थापक अध्यक्ष थे, और अभी संजय कुमार सिन्हा प्रदेश अध्यक्ष उनके। लेकिन ज्यादातर जो है यह लोग खुद ही जो है यहाँ का संचालन स्वयं करती हैं। चलिए जयप्रकाश जी के बारे में जान करके बहुत खुशी हुई, उनके सारे कृतियों से, उनकी उपलब्धियों से।